शहर में बिगड़ती यातायात पर अंकुश लगाने के लिए निजी स्कूलों की बसों व अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई, जहां आज जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिला यातायात प्रभारी वीना राणा ने स्कूली बसों व अवैध वाहनों पर शिकंजा कसा। वहीं कई बसों पर पीला रंग नहीं होने के कारण चालान काटे व बच्चों को ठूस ठूस कर भरने का कड़ा एतराज जताते हुए जब्त भी किया गया। ये जो अभियान चला रहा है ये SP साहब की कम के दौरान चलाया जा रहा है। स्कूल की बसें वगैरह भी चेकिंग की जा रही हैं, इनके लगभग 2 महीने हो गए हैं। इनको हमने अखबारों में भी निकलाया है कि ओरिजिनल कागज रखे, फिर भी इनको चेक किया जा रहा है जिसमें ओरिजिनल कागज नहीं है। कई वाहनों में खामियां पाई गई हैं, फिर भी इनको दोबारा बताया गया है कि आप अपने ओरिजिनल लाइसेंस रखें और मणिपुर का जो है वो लाइसेंस में हो। 40 वाहनों के चालान काटेंगे, ब्लैक फिल्म, बगैर नंबर प्लेट और 3 सवारी आदि के चालान किए गए हैं और उनको समझाया गया है कि 3 सवारी मोटरसाइकिल पे ना चढ़े, हेलमेट पहन के चले, हेलमेटों के भी चालान किए गए। नांगल चौधरी से आजाद TV न्यूज के लिए रामपाल फौजी की रिपोर्ट।